The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो नमस्कार, डॉक्टर परमजीत हियर। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज बात करेंगे रिंकल्स की। जी हाँ, स्किन में आने वाले, उम्र के साथ आने वाले रिंकल्स या झुर्रियां जो होती हैं, किसी को नहीं पसंद। कौन चाहता है कि मुझे झुर्रियां आ जाएं? कोई नहीं चाहता, लेकिन समय के साथ, उम्र के साथ सभी को आती हैं। सो ये आज हम बात करेंगे कि ये क्यों आती हैं और इसके मुख्य पांच कारण क्या हैं, ताकि हम इनको ना सिर्फ कम कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, और आ गई हैं तो उसकी केयर कर सकें। तो कैसे करना है? कोई खतरनाक प्रोडक्ट है, जादुई चीज है, या सिर्फ एक बेसिक साइंस है? बेसिक साइंस है, बात करते हैं रिंकल्स के बारे में। जी हाँ, सो देखो, ज्यादातर रिंकल्स उम्र से ही आते हैं और कोई मेजर कारण रिंकल्स के लिए नहीं है। एजिंग ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स, ये तीनों का एक नेचुरल प्रोसेस है और अपने आप उम्र होती रहती है। लेकिन कुछ लोगों में ज्यादा रिंकल आते हैं, कुछ में कम आते हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। सो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे रिंकल ज्यादा आते हैं? नंबर वन, सबसे बड़ी चीज जो जिसके वजह से रिंकल आते हैं, अपार्ट फ्रॉम एजिंग, ऑब्वियसली एज, उम्र होगी तो रिंकल आएंगे, इसको तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उसको कम कर सकते हैं, चांसेस कम कर सकते हैं। नंबर टू फैक्टर हियर इज सन, धूप। जी हाँ, ये देखा गया है बार बार धूप में जाने से क्या हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं, स्किन डार्क स्पॉट्स होते हैं, जिनको कई बार लिवर स्पॉट्स भी कहा जाता है, और इवन स्किन कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो बहुत ज्यादा देर तक धूप में रहने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। सो एक कॉमन चीज हम इसमें देख सकते हैं, जहां पर रिंकल्स होते हैं, जहां पर इस प्रकार के स्किन प्रॉब्लम होती है, वहां पर स्किन जो है वो ड्राई होती है। और इसी के साथ हमारा तीसरा रीजन लिंक्ड है, तीसरा रीजन है स्मोक। जी हाँ, चाहे वो सिगरेट स्मोक हो, गाड़ी का धुआं हो, या सड़क के किनारे वाला धुआं हो, या कहीं पर भी गर्म गर्म स्मोक आ रहा है, तो वो गर्म स्मोक ज्यादा हानि करेगा आपके स्किन को, और सिगरेट का धुआं है तो और ज्यादा नुकसान करेगा। सिगरेट का धुआं और ज्यादा, सिगरेट बीड़ी, इसका जो धुआं है ये आपके स्किन को सुखा भी देता है और साथ ही वहां पे रिंकल्स पैदा कर, जल्दी आ जाते हैं रिंकल्स। तो स्मोकिंग एरियाज या स्मोक अगर आप करते हैं, आपके रिंकल्स जल्दी आएंगे। ये तीसरा बड़ा कारण है। चौथा कारण भी इसी तीनों से रिलेटेड है। तीन कारण आपने देखे, तीनों में आप देख रहे हैं स्किन जो है ड्राई हो रही है और झुर्रियां आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उस पे आप पानी कम पीते हो, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, तो आपके स्किन पे झुर्रियां जल्दी आएगी। सो डिहाइड्रेशन इज एक्चुअली अ रीजन फॉर टेम्पररी रिंकल्स। या टेम्पररी रिंकल्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि डिहाइड्रेटेड स्किन रिंकल्स जैसी दिखने लगती है, और फिर जब हाइड्रेट होते हैं तो सही हो जाती हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ रिंकल, या रिंकल जैसा दिखने वाली चीज जो रिवर्स हो सकती है। इसीलिए जिनको रिंकल है, वो भी अगर अपना पानी का इंटेक बढ़ा दे, तो उनकी स्किन और ज्यादा लाइवली होने लगती है। हाइड्रेशन थेरेपी, कई बार आप कुछ स्पास कराते हो या मसाज कराते हो, अल्टीमेटली वो स्किन के अंदर हाइड्रेशन करते हैं, स्किन के सेल्स में पानी भर जाता है, वो सूखे सूखे, पूछे पूछे की जगह प्रॉपर खुले खुले, फूके फूके से रहते हैं, तो अच्छे से स्मूथ दिखने लगते हैं। सिंपल एज दैट। वही चीज आप खुद कर सकते हो अच्छी मात्रा में पानी पीने के। तो अच्छी मात्रा में आपने 10 से 12 गिलास प्रॉपर पानी पीना है दिन भर में, 3.5-4 लीटर के आसपास लिक्विड्स लेना है, पानी लो या कोई भी प्रकार के लिक्विड ले सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ स्टेप। एंड द फिफ्थ थिंग इज, कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जिनकी स्किन में जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है कि रिंकल्स जल्दी आएंगे, ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे दुनिया में। सारे लोग ऐसे नहीं होते, तो डोंट हैव टू वरी। ज्यादातर लोगों में ये बाकी के रीजंस को आप
केयर करेंगे, मतलब अगर आपको रिंकल है या आप नहीं होना नहीं लाना चाहते तो आप धूप में मत जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए एज मच एज पॉसिबल। कोई आप हैट पहने, टोपी पहने या कपड़े, ऊपर कपड़ा भी रहेगा तो भी चलेगा। और अगर कोई धूप में जाना पड़ रहा है तो सनस्क्रीन लगाएं और स्मोक से दूर रहें, चाहे वो फर्स्ट हैंड हो या सेकेंड हैंड हो। और अगर आपके अर्ली एजेस में रिंकल आ गए हैं, आ रहे हैं, तो फिर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वो फिर इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये एज के रिलेटेड हैं, एजिंग प्रोसेस है, जबरदस्ती के ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं बिना किसी रीज़न के, तब फिर कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट अवेलेबल, क्या क्या इलाज हो सकता है? ट्रेटिनोइन यानी रेटिनोइन, रेटिनिन एयर, ट्रेटिनोइन के क्रीम्स आते हैं जो, और जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे या फिर ग्लाइकोलिक एसिड जैसे होते हैं एजेंट्स। ये क्या करते हैं, मैंने पिंपल वाले वीडियोस में बताया था, ग्लाइकोलिक एसिड इज अ माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एजेंट और एक्सफोलिएट भी करता है और स्किन स्मूथनिंग भी करता है। सो ग्लाइकोलिक एसिड जैसे क्रीम्स, रेटिन ए, ट्रेटिनोइन या कह लो रेटिनॉल, विटामिन ए इज वेरी, इसके लिए वो भी अच्छा देखा जाता है, लेकिन हर एक के लिए नहीं। तो कई बार लोग केमिकल पील्स करते हैं, लेजर रीसरफेसिंग करते हैं, डर्म एब्रेशंस करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऊपर से जो ड्राई सूखी हुई चमड़ी है उसको निकाल दे, एक दो लेयर निकाल देते हैं जो आप घर पे करते हो, माइल्ड एक्सफोलिएशन। केमिकल पील्स या लेजर रीसरफेसिंग थोड़ा हैवी एक्सफोलिएशन होता है। सो इसमें आपकी स्किन की थिकनेस देखनी होती है, भाई आपका स्किन उसको झेल पाएगा या नहीं, इसीलिए इसको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए। सो दैट दोज आर जस्ट पीलिंग ऑफ द स्किन, राइट? ग्लाइकोलिक एसिड केमिकल पीलिंग, और ये जो हो गया फिजिकल पीलिंग, डर्म एब्रेशन। डर्म यानी स्किन, एब्रेशन मतलब खील देना, लेजर रीसर्फिंग, लेजर से छीनना या केमिकल से छीनना। सो दोज आर द थिंग। ये अर्ली रिंकल्स जो होते हैं ना उस पर बहुत अच्छा काम करता है, पुराने रिंकल्स पे नहीं करेगा, राइट? एकदम अर्ली रिंकल्स पे ही काम करेगा। और पुराने रिंकल्स हैं बहुत ज्यादा, और तो उस केस में फिर देयर इज बोटॉक्स, जी हाँ, बोटुलिनम टॉक्सिन जो का इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ रिंकल्स में। इसमें क्या होता है, कई बार फेशियल मसल्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं तो उनको वहाँ बोटॉक्स के इंजेक्शन से पैरालाइज कर दिया जाता है। सो वहाँ उस सिलेक्टिव पैरालिसिस से रिंकल्स जो है कम आने लग जाते हैं, कम दिखने लग जाते हैं। नाउ दिस इज अ पैरालिसिस वाला एजेंट, सिलेक्टिव पैरा बोटॉक्स। बोटॉक्स सुना तो होगा आपने, ये नहीं पता होगा कईयों को करता क्या है, ये पैरालाइज कर देता है वहाँ की मसल को, जी हाँ मसल को, स्किन को कुछ नहीं करता। और मेडिसिन्स कुछ और भी आते हैं जो स्किन के नीचे इंजेक्ट कर सकते हैं अंडर, जैसे कि जो कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे वहां के वहां पर ऐसे लोगों को, या फिर सिंपल रिंकल्स वाले एरिया के नीचे फिलिंग फिलर भर सकते हैं, जहां थोड़ा सा फिलिंग हो जाए तो स्किन जो है इस पकरिंग की जगह प्रॉपर स्ट्रेच दिखे, तो वो रिंकल गायब हो गया। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज, ये प्लास्टिक सर्जरी के पार्ट आ जाता है, फिलिंग वाला प्लास्टिक सर्जरी एज रिलेटेड रिंकल्स को, या फेस लिफ्ट कहते हैं, वो प्रॉपर सर्जरी हो गई या ये छोटा पार्ट इंजेक्टेबल पार्ट हो गया। सो वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। सो रिंकल्स का प्रिवेंशन भी है, माइल्ड केस के ट्रीटमेंट्स भी है, रेगुलर वैसे हमारे जो हमने स्किन केयर रूटीन्स बताए थे उसी में एक रेगुलर एक्सफोलिएशन इंक्लूडेड है जो रिंकल्स को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करेंगे। और यहाँ पर और ज़्यादा लेवल के ट्रीटमेंट्स आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी मिल जाएंगे। सो रिंकल्स का ए टू जेड ये तरीका है। इसके ऊपर जो आपको करना है वो पांच चीज़ों का ध्यान देना है जो हमने बताई, और कोई स्पेशल उल्टी सीधी चीज़ों को अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, केमिकल वाली चीज़ें, दूसरी अननेसेसरी जो एड्स आती हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बता रहे हैं यही काम करता है। हाँ, कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो एलोवेरा और दूसरी चीज़ें हैं जो काम करती हैं, मदद करती हैं, दोज कैन बी यूज। सो दो दिस इज ऑल अबाउट रिंकल्स। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और हमारा प्रोत्साहन हो कि हम और ऐसे वीडियोज आपके पास लाते रहे। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे।
हेल्दी।